आखिरी कविता आप जी की सेवा में जी कह लगा है वो समा चल रहा जो मैं आरंभता मौके कहा कि जून का पहला हफ्ता 1984 का साडा वो अंदरला फोड़ा अंदरला जख्म जिहड़ा रिसदा रहिंदा है ये जख्म हमेशा रिसदा रहेगा। सरकार ने बहुत धक्का किया साडे नाल अज तो 39 साल पहला अमृतसर साहब नूं घेरा पिया किन्नी क फौज आई सत्कारयोग फौजी साहब बैठे ने भाई जसविंदर सिंह बैंस तीन लैफ्टीनेंट जनरल आए एक लैफ्टीनेंट जनरल दे थले तीन बटालीयन होंदियां ने ते एक बटालीयन का जिहड़ा लीडर हुंदा वह ब्रिगेडियर हुंदा है एक बटालीयन विच एक लख बंदा हुंदा है तो इहदा मतलब एक लैफ्टीनेंट जनरल दे थले 3 लख फौज हो गई। तीन लैफ्टीनेंट जनरल आए के सुंदर जी रणजीत दयाल कुलदीप बराड इहदा मतलब 9 लख फौजां आईआं 9 लख फौजां उन्हां नूं फड़न वास्ते जिन्हां दे उत्ते परचा ही दर्ज कोई नहीं होया जिन्हां दे उत्ते कोई FIR नहीं है जिहड़े किसे केस दे भगौड़े नहीं हन किसे अदालत दे बागी नहीं हन किसे कोर्ट दे OPO नहीं हन उन्हां उत्ते कोई परचा नहीं है। पता नहीं की कारण है जदों भी कितें सिखां नूं पीड़ना है तो बिना परचे दर्ज होए साडे उत्ते आर्मी चढ़ाउंदी है। आ पिछले जे 2 महीनों की अजे गल है अमृतपाल सिंह वाला जिहड़ा कांड वापरिया उहदे उत्ते परचा भी उसे दिन दर्ज किया गया जिस दिन गिरफ्तार किया गया तो उहदी गिरफ्तारी तो हफ्ता पहला आर्मी बुला ली गई तो परचा किहड़ा दर्ज होया 57 का 57 के परचे की जमानत मोटरसाइकिल की RC दिखा के तुरंत हो जाती है SDM कर दिंदा है पर SDM नूं उस दिन जान बुझ के छुट्टी पर भेजा गया तो SDM छुट्टी पर ता कि जमानत ना हो जाए 57 के परचे वाले बंदे नूं फड़न वास्ते आर्मी बुलाई गई तो संत जरनैल सिंह दे उत्ते 57 का परचा भी दर्ज नहीं सी वह किसे केस का भगौड़ा नहीं सी किसे केस का बागी नहीं सी किसे कोर्ट का PO नहीं सी अदालत जां भारत सरकार इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकी। करफ्यू लग गया करफ्यू भी कैसा मज़ेदार करफ्यू है कि इस करफ्यू के बच्च गुरु रामदास लंगर दियां रस्तां चोरी हो गई। एक करफ्यू कैसा किस करफ्यू के बच्च अमृतसर विच आउण वालियां ते कोई पाबंदी नहीं पर अमृतसर साहब तो जाण वालियां ते पाबंदी आ कि सारे इकट्ठे कर लो इकट्ठे होए सारे मार देवांगे जान कोई नहीं देना। करफ्यू कैसा जिस करफ्यू विच गुरु रामदास लंगर दे भांडे चोरी हो गए। करफ्यू कैसा सिखां वास्ते पाबंदियां ने पर सिखां दे विरोधी जो आर्मी वालियां नूं बिस्की दिंदे आ लड्डू वंडदे आ भंगड़े पाउंदे आ उहनां वास्ते कोई करफ्यू नहीं है। कैसा करफ्यू है जिस करफ्यू विच सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट्टी गई। सत संगत मजाक होया साडी कौम दे नाल उस सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट्टी गई। भारत का डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडाइज उन्हें बयान दिता सी कि सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दियां लुटियां वस्तां इंडिया की किसी एजेंसी के कोल हन भारत दियां एजेंसियां के कोल हन पर बदकिस्मती है साडी कौम की कि साडी कौम सेंटर की भाईवाल रहिंदियां होइआं भी असी वह वस्तां प्राप्त ना कर सके साडी कौम वह प्राप्त ना कर सकी वस्तां जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां पोथियां हन वह हथ लिखत पोथियां रैफरेंस लफ्ज़ समझदे हो ना रैफरेंस बहुत रेयर हुंदा है वह किताबां जिहड़ियां हथ लिखत हुंदियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दियां हथ लिखत पोथियां। एक भानू मूर्ति नाम का बंदा उन्होंने हायर किया तो पुरानियां बीड़ां दे विचों ब्लेड दे नाल सिहारियां बिहारियां औंकड़ कट्टे गए 627 अंग उन्हें सिहारियां बिहारियां औंकड़ा तो रहत कर दिते निरी पंजाबी बना दिती तो उन्हों उचेचे तौर दे उत्ते दिल्ली कमेटी ने सन्मानित भी कर दिता अकाल तख्त वालों भी उन्होंने सरोपा मिल गया। सत संगत इन्हां कामां वास्ते वो रैफरेंस लाइब्रेरी दीआं पोथियां नूं वरत्या जा रहा है वह तो बाद विच बलिहार जाइए दल खालसा वालियां दे जिन्हां ने रौला पाया भई ये बंदा सिर मोने दा सिर मोना बंदा इहनूं अकाल तख्त तो सरोपा किदां मिल गया क्लीन शेव बंदा तो किड्डा पाप कर रहा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अखर मिटा रहा है तो बाद विच थोड़ा जिहा साडियां जथेबंदियां हरकत विच आईआं तां भानू मूर्ति दा जिहड़ा सन्मान सी उह वापस लिया गया। मैं अपनी गल इस पासे बहुता ना लैके जावां संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां नूं सरकार कहिंदी अतवादिया पर जो अतवादिया सरकार ये तो दसे भी उहदे उत्ते परचे किन्ने दर्ज है
सरकार ये तो दसे किहड़े केस का पीओ आओ कि अदालत का भगौड़ा इन सवालों का तो उत्तर ही कोई नहीं है भारत सरकार के कोले। सतसंगत अमृतसर अतवादी आ गए सरकार कहती है पर पंजाब दे विच बाकी 37 गुरुद्वारों के उत्ते आर्मी का अटैक होया उन्हां विच किहड़े अतवादी सन। संत जी अतवादी नहीं सन मैं इस गल का सतसंगत दावा करदा है पर जिहड़े लोग कहिंदे संत जी अतवादी सन उन्हां लोगों नूं सवाल है अतवादी तो बंबई के ताज होटल में भी बड़े सन कि इंडियन आर्मी ने ताज होटल ढा दिता ताज होटल की तो एक इट भी नहीं टठी। सतसंगत उस तो बाद होर गल करो एक मंदिर के अक्षरधाम मंदिर गुजरात अतवादी बढ़ गए कि अक्षरधाम मंदिर ढा दिता सी आर्मी ने अक्षरधाम मंदिर में तो एक त्रेड़ भी नहीं सी आई मंदिर के उत्ते गोली तक नहीं चली मंदिर की एक इट जख्मी नहीं हुई पर शंकराचार्य के चेलियां अमृतसर साहब आके की दौरा पै गया अमृतसर साहब आके इन्हों क्यों दौरा पिया इस सवाल का उत्तर हाले तक भारत सरकार दे नहीं सकी। उस तो बाद होर निकी जी गल करदा है बैंस साहब बैठे ने आर्मी विच हन इंडियन आर्मी जो कि अटैक करती है तो इन वास्ते जरूरी हदायत है कि तुम पहला अनाउंसमेंट करो कि इन इंडियन आर्मी इतने अटैक कर लगी आ जे कोई बंदा निर्दोष बसता तो बाहां खड़ियां करके आ जाओ तलाशी लैके छड़ देंगे। ये अनाउंसमेंट कारगिल की जंग के मौके की गई ये अनाउंसमेंट अक्षरधाम मंदिर की गई ये अनाउंसमेंट ताज होटल में भी की गई पर यह अनाउंसमेंट अमृतसर साहब नहीं की गई क्योंकि अमृतसर साहब तो गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी जोड़ मेले का समागम मना आए निर्दोष गुरसिखां का कतलेआम बचाना सी। सतसंगत किड्डा इन्हां ने कहर मचाया संत जरनैल सिंह अते जनरल सुबेग सिंह उन्हां नूं नमस्कार है उन्होंने जिंदा दिली दिखाउंदिया होया किस कदर मुकाबला किया अज तो 39 साल पहला शहादत का जाम पीण वाले कौमी परवाने आओ उन्हां नूं आपां मत्था टेक लईए। एकार सेवा वाले महापुरख इस स्थान पर सेवा कर रहे हैं मैं इत्थे माण ना कहिंदा एक कार सेवा वाले बाबे जिन्होंने आप कला टोकरी ढोन वाले या रोड़ी कुटन वाले बाबे मनते हैं ना 48 सिंह इन्हों के शहीद होए 84 दे विच बाबा शीशा सिंह जी के नाल दे जिहड़े गुरमुख प्यारे रोड़ी कुटन वाले बाबे टोकरी ढोन वाले बाबे उन्होंने भी एक 47 चलाईया 1984 दे विच 48 सिंह शहीद हो गए बाबा शीशा सिंह के सेवादार जिहड़े सन वो शहादत का जाम पी गए। उस तो बाद अमृतसर साहब के दरबार साहब के अटैक के बरखिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली वो मुहिम की सी अजीत अखबार के मुख्य संपादक साधु सिंह हमदर्द उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिता डॉक्टर गंडा सिंह उन्होंने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिता संत सिंह सेखों उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिता सिख कौम के 20वीं सदी के महान संत कह रहे महान सिख नहीं 20वीं सदी के महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले नूं कहिंदे आ ते 20वीं सदी के महान संत भगत पूर्ण सिंह जी पिंगल वड़े वाले महापुरखां नूं कहिंदे भगत पूर्ण सिंह जी पिंगल वड़े वाले महापुरख जिहड़े आ ना 20वीं सदी के महान संत हन उन्होंने अपना लोक रत्न अवार्ड इंदिरा गांधी नूं वापस कर दिता। इत्थे ही बस नहीं नॉर्वे का राजदूत हरिंदर सिंह खालसा शायद तुहाडी जानकारी विच इह शब्द ना होण मैं दस जाना इंडिया गौरमेंट दे कोल सब तो वड्डी नौकरी है किसी बगाने मुल्क विच इंडियन अंबैसी का कौंसलेट होना इस तो वड्डी भारत सरकार कोल कोई नौकरी नहीं है। वोटां नाल कोई अनपढ़ बंदा भी लीडर बन सकता है पर अपनी पढ़ाई दे बलबूते दे नाल जे इंडिया गौरमेंट दे कोलों सब तो वड्डी नौकरी प्राप्त करनी आ तो इंडियन अंबैसी का कौंसलेट होना हुंदा है इस तो वड्डी भारत सरकार कोल नौकरी नहीं है। वो नॉर्वे दे विच इंडियन अंबैसी का राजदूत सी उन्हें अस्तीफा दिता तो रूह खुश हो गया। सरदार सिमरनजीत सिंह मान बंबई का DIG सी इन्हें अस्तीफा दिता तो रूह खुश हो गया। चरणजीत सिंह कोका कोला इंडियन कांग्रेस के जनरल सकत्र सन अस्तीफा दिता तो रूह खुश हो गया। पटियाले तो MPC कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हें अस्तीफा दिता तो रूह खुश हो गया। भाई मुसीबत सिंह होना ने भाई मनजीत सिंह होना ने इंडियन जहाज अगवा कर लै भारतीय फौजा में बगावत हो गई सतसंगत धर्मी फौजियों ने बैरकां छड़ दित्तियां एडा वड्डा इतिहास सी। लो जी घड़ी की सूई तो बाबा जी भज गई
तो मैं कविता ही कहा देव हूँ लैक्चर आप बंद करिए क्योंकि घड़ी की सूई समाप्ति के किनारे नू जा रही है। मैनू तुहाडा हुक्म सी बंदी सिंह की गल अते संत जरनैल सिंह की गल बंदी सिंह की रिहाई वास्ते मैं अपने ढाडी जत्थे वलों अरदास करदा ते बंदी सिंह की आज़ादी वास्ते रिहाई वास्ते लगे मोर्चे विच जाण वास्ते तुहानू मैं गुरु का ढाडी होण दा ते अपील करदा जाया करो बंदी सिंह के हक में लगे हुए मोर्चे में हाजिरी लगवा के आया करो। जिहड़े जा आए उन्होंने नमस्कार जिहड़े नहीं गए उन्होंने अपील करदा भाई समा कढ़ के जरूर जाओ। कौम के कौमी परवाने हैं उन्हां दीआं जवानियां जेलां विच गल गई आपां उन्हां वास्ते एक हा दा नारा मार लईए मलेरकोटले के नवाब वाली गल ही कर लीए जे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आपां। कौन सी संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाला ना वो एम पी सी ना वो एम एल ए सी ना वो पंजाब का मुख्यमंत्री सी ना वो पंजाब का राजपाल है ना वो श्रोमणी कमेटी का प्रधान ना श्रोमणी अकाली दल का प्रधान ना दरबार साहब का मुख ग्रंथी ना अकाल तख्त का जथेदार। खैर तो बड़िया बड़िया गल्ला हन संत जरनैल सिंह तो सच्ची गल कह वो अपने पिंड का सरपंच भी नहीं सी वो अपने पिंड का मैंबर पंचायत भी नहीं सी लाल बत्ती वाली गड्डी नहीं सी उहदे कोले जो हर का प्यारा सो सभना का प्यारा। उन्हें गुरबाणी नूं पढ़िया ते कैसा सरकार नूं नानी चेते करवाई वो कविता आप जी की सेवा विच पेश करवाउण लगा। दुनिया सुख आपो अपना मंगदी है सिर ते दुख झल के सुख भाल दे सिंह खड़ जांदे मजलूमले ढाल बन के गजण बंब बन के विरोधी काल दे सिंह पिता सिंघां दा दानी है पुत्रां दा समय समय ते हथ दिखाल दे सिंह। ओ इंदिरा गांधी दी फौज हरार रागी लड़दे वेखे जदों दमदमी टकसाल दे सिंह सिंघां ने नेरियां लिया दित्तियां। कौन है संत जरनैल सिंह ओ सच्चे संत सिपाही ने ईन मनी ना हिंद दी राणी दी ओदे अंदर दी जो ताकत सी ओ ताकत सी गुरबाणी दी अमृत की बूंद ओदे सिर चढ़ के संगते बोली सी जालम की फौज उन्हें फिर पैरों के विच रोली सी उस बली बहादुर बाजों किसी ने टैंकां मूहरे तनना नहीं अज फिरदे संत बथेरे ने पर किसी ने भिंडरां वाला बनना नहीं।